أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزيز طلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز طلبة جویں جو تہاکو معلوم ہے کہ کرونا وائرس دی وجہ تو تعلیمی سرگرمیاں ملتوی تھی چکے تا سرکار دے حکم تے ساکو اے حکم کیتا گئے کہ تساں اپنے بالاں کو تعلیم آن لائن دے سو تا انشاءاللہ اے سلسلہ اساں जारी करेंदे पे हैं और उम्मीद करेंदे हैं कि तुसा भी भरपूर ताउन करे सो। ये लैक्चर यूट्यूब के जरिए वट्सएप के जरिए भी तो अगर कोई बार परसनल नंबर देसी तो इंशाल्लाह वट्सएप के जरिए भी भेजी रख सू जो बार राबता करे सक। तालीमी सिलसिला जरा है असा बाकायदगी ऑनलाइन सारे टीचर करेंदे पे हैं शोभा सरैकी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उस शरीफ की तरफों तमाम असाज़ा की तरफों तमाम बालें को ये दुआ है कि तुसा हमेशा खुश रहो आबाद रहो और ये तलीमी सिलसिला जरा सा एक बाकायदगी चलता पिया है। कोरोना की वजह तो ब्रेक थी गया है तो एक दफा असा एक वाल ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए अस दोबारा एक शुरू करेंगे पे हैं। अस कोशिश करे सो कि तमाम लैक्चर अस यूट्यूब के उत्ते जारी कर दूँ असा अपने तरीके नाल उन्हां दी तैयारी करे सूँ ताको समझावण दी कोशिश करे सूँ। तां असा पूरा सिलेबस जिहड़ा है फस्ट ईयर दा सरैकी दा मजमून दा फस्ट ईयर दे विच असा तकरीबन पढ़ चुके हां से तां असा एक वारी वला नवें सिरों दोबारा शुरू करेंदे हैं। ताको पता है कि साडी कन्ने जिहड़ा नसरी हिस्सा है उह नसरी हिस्से दे विच साडी किताब वसेब दी सुञाण है और इन्दे विच जिहड़े सबक हैं उन्हां दी वंड की गई है। तो वंड दे विच सब कोलों पहले जिहड़ा सबक है नसरी हिस्से दे विच ओह है मई खदीजा नाल हजूर करीम दा निकाह। इन तों इलावा जिहड़ा दूजा सबक है शालती हज़रत किबला ख्वाजा नूर मुहम्मद मारवी नवाब मुजफ्फर खान शहीद फोर्ट मनरू सस्सी पुन्नू दमान हेखा बादशाह मच्छर कॉन्फ्रेंस सदीक ताहिर पाड़ा संस भाई मासूम हाजिर हाजिर सोना हाजिर आयम आयम जानी आयम अल्लाह लहे से मंझा। अजीत उल बाग तो पता है कि सारे पेपर पैटर्न के मुताबिक जरा सवाल आवे वो इन नसरी हिस्सों के सियाकस बाग के हवाले नाल एक क्वेश्चन उसी उनको इलावा असा जरा सबक पढ़सूँ नसरी हिस्से उनका खुलासा आसी और अहम अहम जरे नसर के छोटे छोटे क्वेश्चन हो सन उन्होंने शार्ट क्वेश्चन देख सो अंडरलाइन करे सो मल्टीपल चॉइस वास्ते भी तुसा ये अपने सवाल तैयार करे सो। तो असा पहला लैक्चर सा सबक का अनुमान है हज़रत खदीजा के हवाले नाल हजूर करीम के निकाह के हवाले नाल। तो पहला सबक का अनुमान जरा है वो है मई खदीजा नाल हजूर करीम का निकाह। तो असा अज इब्तदाई तौर पर ये सबक के हवाले नाल गाल मोहाल करे सो इन अहम गाल ही जरा हैं ये सबक सीरत उल नबी के सिलसिले के हवाले नाल है। मई खदीजा नाल हजूर करीम का निकाह जरा है इन्हें लिखारी हैं प्रोफेसर दिलशाद कलाची साहब। बालो जिवें तो पता है कि सवाल मल्टीपल चॉइस से यह भी आ सकते कि मई खदीजा नाल हजूर करीम का निकाह सबक जरा है कैं लिखे तो याद होना चाहिए है ये सबक प्रोफेसर दिलशाद कलाची साहब लिखे। इन सबक दे विच हजूर करीम की शादी हज़रत बीबी खदीजा नाल जरा वाकया है मुख्तसर उन्होंने पेश किए और अगर असा इन सबक का थोड़ा जहा भी खुलासा बयान करूँ मुख्तसर असा इन सबक उड़ेते हैं कि मई खदीजा नाल हजूर करीम का निकाह थी तो पहले आप की शादियों भी पहले थी चुके हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर के भी नौजवान हैं हजूर नौजवान हैं यंग हैं। तो मई खदीजा ने अपनी एक संताली को हजूर करीम को भेजा कि तुसा आप शादी करना चाहते हैं। हजूर फरमेन कि मैं असा किमें शादी करे सूँ ना सारे को माल है ना मकाल है। तो इवें सबक हजूर करीम का निकाह जरा है तुतबा जरा हज़रत अबू तालिब से पढ़िया है। तो हजूर की उम्र जरी है 25 साल है हज़रत खदीजा बीबी की उम्र 40 साल है
हजूर ने अपना सारी जिंदगी हिकी बीबी नाल गुजार दी। तो इवें ही इस सबक छोटे छोटे क्वेश्चन इन्हें तुसा खुलासा तैयार कर गिन सो इंशाल्लाह अगला सबक भी असं अज दूजा सबक भी पढ़ चुसूँ वो सबक है हज़रत शाह लतीफ़ के बारे है हज़रत शाह लतीफ़ भिटाई ई सबक डॉक्टर जवेद चांडियो साहब लिखे। तो ये असा दू सबक पढ़सूँ असा पहला सबक ये हमारी खदीजा नाल हजूर करीम का निकाह इनका खुलासा जरा है तुसा याद करे सो शार्ट क्वेश्चन याद करे सो इवें शाह लतीफ़ सबक का उनवान है एक डॉक्टर जवेद हसन चांडियो साहब लिखे। ये सबक तुसा रीड करे सो इन अहम जरा चीज़ा हैं उन्हें अंडरलाइन करे सो ताकि मल्टीपल क्वेश्चन अगर तुहाड़े इम्तिहान के आने तो चीता चीता गाल ही जरा हैं अहम गाल ही हैं बहाकू जिमें शाह अब्दुल करीम बल बल रिसाला इवें मौलाना मसनी मौलाना रूम क्योंकि हज़रत शाह लतीफ़ सफ़र के अपने नाल रखे हैं कुरान शरीफ इवें अहम अहम चीज़ा जरा हैं तुसा इन अंडरलाइन कर गिन सो तो बाद जरा है तो इनका खुलासा तैयार करे सो खुलासा तैयार करने तो बाद सियाको सबाक के हवाले नाल भी देख सो सियाको सबाक तो अल्लाह छोटा जहा पैराग्राफ उनका सियाक सबाक सबक का तारुफ वालू पैराग्राफ की तशरीह तो तुसा इंशाला एक सबक दो सबकों को तुसा तफसील नाल पढ़ सो अगर तुहाकू इन कोई मुश्किल पेश आती है कोई चीज़ समझ नहीं आती तो तुसा मेरे अपने पर्सनल नंबर पर नंबर मेरा है 0300-6843-655 रबता करते मुश्किल कितने भी आवे कोई सवाल समझ नहीं आता कि पढ़ना नहीं आता जो भी मसायल हैं इंशाल्लाह असा तुसा नाल नाल रासूँ इंशाल्लाह दूजा लैक्चर जल्द ही मैं यूट्यूब पर शेयर करे सा ते ये सिलसिला जरा है रेगुलर थी वे सी तुसा तमाम तलबा अपनी मेहनत नाल अपने दिल जौक शौक नाल एक दफ़ा वल तुसा अपने पढ़ाई वाले पास ध्यान दे सो तो ये सिलसिला टुटदा रहा सी ते गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के तमाम प्रोफेसर साहबान भी दूजे मजामीन जो अहम मजामीन खास तौर से सैंसी मजामीन अदाता सबस नसरी है सिलेबस थोड़ा आसान है सराय की अपनी जबान है बाला भी इतना मुश्किल पेश ना आ सी अगर कितनी मुश्किल पेश आवेंगे तो सर हाजिर हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लैक्चर भी दोबारा जल्द जल्द इंशाल्लाह अपलोड यूट्यूब चैनल पर कर देसूँ तो साडा चैनल सबसक्राइब करे सो तो इंशाल्लाह सराकी के हवाले नाल कोई भी थोड़ा मुश्किल पेश आवे तो टेलीफोन कर सकते वे समय सकते वे अगर सारे करीब के तलबा हैं तो टेलीफोन करके गाल को समझ सकते हैं सबक ना आवे थोड़ी मुश्किल पेश आने पी हो इंशाल्लाह हर लिहाज में हाजिर हैं तो कॉमन करे सो इंशाल्लाह तमाम बाला शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।